जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 पे। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि हर एक छात्र तक ये सारी सूचनाएं पहुंचाई जा सके। 21,391 पद की बहाली की प्रक्रिया बिहार में शुरू हो चुकी है। 12वीं कक्षा पास है अगर आप या किसी भी राज्य से आते हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जी हाँ, रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाने का डेट आज से एक्टिव हो चुका है और प्रिंट तक ये सारी जानकारी हम आपको देंगे इस वीडियो में कि फॉर्म को कैसे भरना है। बिहार पुलिस कांस्टेबल की इस रिक्रूटमेंट के लिए 21,391 पदों की जो बहाली की प्रक्रिया शुरू हुई है, इसमें 12वीं कक्षा पास आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, हम आपको सीधे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर ले चलेंगे जहां पे इसकी सारी जानकारी आपको देखने को भी मिलेंगी। यहां पे आप देख सकते हैं कि कल रात जो है यहां पे लिंक एक्टिवेट कर दिया गया, लेकिन फॉर्म जो है आज से आप भरना शुरू कर सकते हैं। जी हाँ, यहां से आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए 9 तारीख को ही इसका एडवर्टीजमेंट जारी कर दिया गया था। अब एडवर्टीजमेंट के बारे में सारी जानकारी आपको देखनी है तो हमारे चैनल पर जाएं, वहां पे आपको सारे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करते हैं दोस्तों, तो आप इस पेज पे आ जाएंगे जहां से आपका रजिस्ट्रेशन शुरू होने के अपडेट दिए गए हैं। अब यहां पे 3 स्टेप में जो है आप इस पूरे फॉर्म को भर सकते हैं। पहला रजिस्ट्रेशन करना है, दूसरा एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और तीसरा यहाँ पर एप्लीकेशन के स्टेटस को देखकर यहाँ पे पेमेंट कर लेना है। जब आप यहाँ पे पेमेंट की बात करेंगे और जब देखेंगे कि कितना पेमेंट लग रहा है, तो वो आपको सारा जानकारी यहाँ से देखने को मिल जाएगा जैसे आप इसके रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे। ये पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा, मतलब इसमें जो है आवेदक का जो नाम है, कैसे भरना है, कहाँ, मतलब कैसा नाम आपको डालना है, जो कि टेंथ और मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे आपका नाम रहता है, और आपकी राष्ट्रीयता क्या है, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एक एक्टिव होना चाहिए आपके टिल एग्जामिनेशन तक, जब तक ये एग्जाम चलेगा इसका प्रक्रिया। बिहार राज्य के आप अगर डोमिसाइल हैं, रखते हैं, अधिवास हैं यहाँ पे आपका रहने का, तो आपको क्या फ़ायदा है। आरक्षण कोटी यहाँ पे दिया गया है कि कौन कौन सी कैटेगरी को आरक्षण दिया जाता है और कौन कौन से लोग यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। पुरुष, महिला और ट्रांसजेंडर भी आवेदन कर सकते हैं यहाँ पे। और गृह रक्षक, जो मतलब होमगार्ड में लोग जॉब कर रहे हैं, उनके लिए 50% की वैकेंसी है। और नॉन होमगार्ड के लिए यहाँ पे 1 अगस्त 2022 उनका एज कैलकुलेट किया जाएगा, तो एज के बारे में भी हमने आपको वीडियो में बताया है पहले ही। और इसके अलावा आपको बिहार राज्य के गृह रक्षक हैं आप, तो उसके बारे में भी बताया गया है कि आपका एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। यहाँ से आप देख सकते हैं, 18 से 30 साल तक के लिए आपको एज क्राइटेरिया रखा गया है, 18 से 32 साल, 18 से 33 साल महिलाओं के लिए है, 18 से 35 साल SST कैटेगरी के लिए है, जो कि होमगार्ड में लोग जॉब कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे भुगतान के लिए जो आपकी राशि ली जाएगी इस फॉर्म को भरने को लेकर, ये 675 रुपये है जनरल कैटेगरी के लिए, और 675 महिलाओं के लिए भी है जो कि अदर स्टेट से आती हैं। ठीक है, अब ये ध्यान रखिएगा, सामान्य वर्ग से अगर आप आते हैं और बिहार के निवासी हैं तो पुरुष हैं तो 675 और महिला है तो 180 रुपया। EWS में है तो 675 पुरुषों के लिए, 180 महिलाओं के लिए। EBC में है तो 675 पुरुषों के लिए और 180 महिलाओं के लिए। अगर SC ST में है, आप बिहार के अधिवास में हैं, तो आपको 180 रुपये पुरुष और महिला दोनों से लिया जाएगा। ट्रांसजेंडर वर्ग से आते हैं, चाहे किसी भी स्टेट से हैं, आपसे 180 रुपये चार्ज किया जाएगा यहाँ पे। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, यहाँ पे फीस चार्ज आपका ये लग रहा है, बिहार के ट्रांसजेंडर होने चाहिए, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अधिवास आपका बिहार का होना चाहिए, यानी कि आपका डोमिसाइल होना चाहिए। अब यहाँ पे जो है इस पूरे नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा, इसके बाद हम आपको और भी डिटेल देंगे। अगर आपसे कोई गलती होती है तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन कैसे रद्द करना है, इसके बारे में अलग से एक वीडियो जरूर बनाया जाएगा। 1 अगस्त से जो है आप इसका एज कैलकुलेशन डेट दिया गया है और 10+2 पास आप छात्रों को उत्तीर्ण होना चाहिए इस फॉर्म को भरने को लेकर, तभी आप इस पर क्लिक करेंगे और घोषणा वाले सेक्शन पर यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा और ये जानकारी एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये पढ़ना चाहिए आप लोगों को, है ना, क्या यहाँ पर बोला जा रहा है। और उसके बाद जो है आप प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट सेक्शन पे क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप इस सेक्शन पर आइएगा तो एप्लीकेशन फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा, जहां पे आपके नाम, एड्रेस, पता सब कुछ पूछा जाएगा और यहां से ये जो है आपका फॉर्म भरने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, एक छोटी सी अपडेट और देना चाहेंगे आप लोग को, जो भी मेरे भाई बंधु यहाँ पे इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए चक्षु पब्लिकेशन लेकर आया है बिहार कॉन्स्टेबल के लिए बेस्ट बुक, जो कि आपके लिए एक गाइड बुक भी लेकर आया है और एक आपके लिए प्रैक्टिस सेट बुक भी लेकर आया है। चक्षु पब्लिकेशन का ये जो गाइड बुक है, इस बुक को आप लोग अपने पास जरूर रखें और इस पुस्तक से अपनी तैयारी बेहतर से बेहतरीन बनाएं, क्योंकि यहाँ पे स्टडी मटेरियल जो दिए गए हैं वो सारे टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज दिए गए हैं, जो कि बिहार सिपाही के सिलेबस के आधार पर। मैं इसका जो है PDF आपको दिखाना चाहूँगा, है ना, इस PDF को आप एक बार जरूर एक झलक देखिए और ये देखिएगा, यहाँ से ये जो आपका दिया गया है ये बुक का पूरा फ्रंट पेज है और यहाँ पे सामान्य अध्ययन, आपका सामान्य हिंदी, इंग्लिश, गणित और करंट अफेयर और बिहार स्पेशल जैसे टॉपिक को कवर किया गया है। 3000 से ज़्यादा प्रश्न उत्तर भी यहाँ पे दिए गए हैं इस गाइड बुक में,
पांच प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करके दिए गए हैं और बिल्कुल ये नए सिलेबस के पैटर्न के आधार पे जो कि आपका तैयार करके दिया गया है। तो अब वर्दी दूर नहीं है आपके लिए, ये ध्यान रखिएगा। सिपाही भर्ती की प्रक्रिया निकाली जा चुकी है, आप अपनी तैयारी में लग सकते हैं। SRR पब्लिकेशन की इस बुक को खरीद के, जो कि चर्चू पब्लिकेशन इस बुक को यहाँ पे पब्लिश कर चुका है, ये आपका सिलेबस पैटर्न दिया गया है। इस सिलेबस पैटर्न को यहाँ से आप एक एक करके चेक कर सकते हैं कि किस सब्जेक्ट में हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है, और वहां से इसके रिगार्डिंग जो है आपका पूरा टॉपिक भी दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे आप अगर आएंगे तो देखिएगा, समसामयिकी का ये टॉपिक है 2023 तक का, अभी तक का जो कि सारा डिटेल दिया गया है। तो 2023 का करंट अफेयर भी यहाँ पे आपका कवर होगा। इसके अलावा अगर आप नीचे आएंगे तो और भी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि बिहार स्पेशल वगैरह कवर किया गया है यहाँ पे, बजट वगैरह कवर किया गया है यहाँ पे बिहार का, फिर जो भी डेटा यहाँ पे मतलब इस साल का गुजरा है उसको कवर किया गया है। वैसे ही आपको यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी मिलेंगे। फिर उसके अलावा यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट है, जैसे कि इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, पॉलिटी हो गया, इन सब के भी टॉपिक वाइज जो है और चैप्टर वाइज यहाँ पे जो भी सिलेबस है आपका, उसी के आधार पे ये सारी डिटेल दी गई है। तो ये बुक आपके लिए बेहतर है आपकी तैयारी को लेकर, तो जरूर लें इस बुक। चलिए आप चलते हैं दोस्तों, हम इसका जो बुक का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ जाके सीधे परचेज कर सकते हैं अमेजोन या फ्लिपकार्ट से, ठीक है, या फिर आप अपने नज़दीकी रिटेल शॉप पर भी जाके जो है आप उसको खरीद सकते हैं। ओके, चलिए अब आते हैं दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म भरने के इस डिटेल पे। तो सबसे पहला तो आपको जानकारी यहाँ दिया गया है कि अपना नाम जो है मेंशन करना है, जो आपको वो मैट्रिक या 10वीं कक्षा का प्रमाण पत्र होगा उसी के जैसा ही वही नाम आपको यहाँ पे डालना है। जैसे कि आपका फुल नेम यहाँ पे है, फर्स्ट नेम में आपका मान लीजिए कि नाम है अनिल कुमार सिंह, तो आपने अनिल डाला, कुमार मिडिल नेम हो जाएगा और सिंह जो है सरनेम हो जाएगा। लेकिन अगर आपका नाम है सिर्फ अनिल तो आप सिर्फ फर्स्ट नेम को यहाँ पे भरेंगे, है ना, जो कि मैट्रिक में आपका जो नाम है वही भरिएगा। ध्यान से मैं आपको बता दूं, नहीं तो रजिस्ट्रेशन में कोई सुधार नहीं होगा, है ना, एडिटिंग का ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिलता है। एप्लीकेशन फॉर्म में मिल सकता है लेकिन एडिटिंग रजिस्ट्रेशन में नहीं मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आप अपना जो है सेलेक्ट करेंगे नेशनलिटी, यानी कि आप इंडियन है ना, और यहाँ पे इंडियन ही छात्र आवेदन कर सकते हैं, और इंटर एप्लीकेशन मोबाइल नंबर, ठीक है, एप्लीकेंट का मोबाइल नंबर एक ऐसा होना चाहिए जो कि एक्टिव होना चाहिए आपके टिल रिजल्ट तक, ठीक है, एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो कि आपके पास होना चाहिए और आप ही का होना चाहिए, उसी पे SMS वगैरह भेजा जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह भेजा जाएगा, ठीक है। फिर तीसरा डिटेल है दोस्तों यहाँ पे कि ईमेल आईडी अपना ऐसा डालें कि जो कि एक्टिव रहे, उसका पासवर्ड याद रहे आपको, क्योंकि अगर फॉर्म में कुछ गलती कर दिया फॉर्म भरते समय और आपको फॉर्म को रिजेक्ट करवाना हो तो फॉर्म को रिजेक्ट करने के लिए आपको एप्लीकेशन पे OTP भेजा जाएगा, तो इसलिए ये भी आपका एक्टिव होना चाहिए और पासवर्ड वगैरह हमेशा याद रखिएगा, लिख लीजिएगा कहीं पे इसको ध्यान से। आर यू अ डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट, यही बता देना है यस और नो, अगर आप बिहार के हैं तो यस पे क्लिक कर लीजिएगा और नहीं है तो नो पे क्लिक कर लीजिएगा। फिर उसके बाद जो है रिजर्वेशन कैटेगरी यहाँ पे जो दिया गया है आप अपना बताइएगा, अगर आप जनरल हैं तो आप UR डाल के छोड़ सकते हैं जनरल वाले में, और EWS है तो EWS, EBC है तो EBC, BC है तो BC और SC है तो SC और ST है तो ST, ये कैटेगरी में आपको फॉर्म भरना है, इनमें कोई भी है, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों देखिएगा तो जेंडर पूछा गया है, ये जेंडर जो है आपका मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर, ये तीन वर्गों के लिए दिया गया है। अगर आप बिहार के थर्ड जेंडर में आते हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, पूरा महिला वाला कैटेगरी का जितना भी आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशन है वो मांगा गया है आप लोगों से। एप्लीकेशन डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मांगा गया है दोस्तों, एप्लीकेंट का जो है डेट ऑफ बर्थ मांगा गया है, जो भी आप छात्र हैं उनका डेट ऑफ बर्थ जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट में है वहीं पे, और 1 अगस्त 2022 से कैलकुलेटिंग होगा, ये ध्यान रखिएगा 25 साल आपका जो है इसी एज के अनुसार कैलकुलेट किया जाएगा। और यहाँ पे एक चीज पूछा गया कि आर यू अ होमगार्ड ऑफ बिहार स्टेट, आप होमगार्ड में कार्यरत हैं, गृह रक्षक में कार्यरत हैं, तो यस पे होंगे तो यस पे क्लिक कर लीजिएगा, तो आपसे होमगार्ड का डिटेल यहाँ पे मांगा जाएगा। डोमिसाइल यहाँ पे अगर जैसे ही आप भरेंगे यस, तो ये ध्यान रखिएगा अभी तो कोई डेटा आपसे नहीं मांगा जाएगा डोमिसाइल होने का, लेकिन ये जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय आपका जो है सर्टिफिकेट मांगा जाएगा बिहार निवास प्रमाण पत्र का, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे कोई आपने रिजर्वेशन मान लीजिए कि BC कैटेगरी सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे पूछे जाएगा जो भी आपका सर्टिफिकेट होगा कैटेगरी का वो आपसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ये मांगा जाएगा, ये बातें यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है। और होमगार्ड के हैं तो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जरूर बता दीजिएगा, सॉरी रेजिमेंटल नंबर जो होता है यहाँ पे, है ना, तो वो बताना है आपको यहाँ पे, और आपका जो है ट्रेनिंग जो है कब से हुआ है, डेट ऑफ कम्प्लीशन ऑफ ट्रेनिंग, बेसिक ट्रेनिंग आपका कब से हुआ है और ज्वाइनिंग आपका कब से है ये आपको बता देना है, ठीक है, और किस डिस्ट्रिक्ट में है आपका ज्वाइनिंग ये बता देना है। तो ये जानकारी देकर यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर लीजिएगा।
जैसे ही आप इस पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपका सारा डिटेल यहाँ पे सामने आ जाएगा और आपसे यहाँ पे बोलेगा कि डिक्लेरेशन पे क्लिक करें और इस कैप्चे को यहाँ पे डाल के पेमेंट कर लें। तो जैसे ही आप यहाँ पे पेमेंट करेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे अपना जो है ये कैप्चा यहाँ पे डालेंगे और पेमेंट करेंगे, उसके बाद जो है आपका यहाँ पे सेक्शन चालू हो जाएगा। और उससे पहले देखिए एक ऑप्शन आपको और दिया गया है एडिट एप्लीकेशन डिटेल करने को लेकर, ठीक है। तो यहाँ पे आप मेक पेमेंट पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे पेमेंट करने को आपको बोला जाएगा। ओके पे क्लिक कर लीजिएगा और जैसे ही आप यहाँ पे ये कैप्चे को डालकर ये सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे पैसा यहाँ मांगेगा। तो मैं एक छात्रा का फॉर्म भर रहा हूँ जो कि यहाँ पे अपडेट कर रहा हूँ, तो मेक पेमेंट पे जैसे ही क्लिक करूंगा ये डिटेल मुझे उस पेज पे ले जाएगी जहां पर आप जो है इसके लिए फॉर्म भर सकेंगे। तो अभी देखिए कुछ एरर आ गया यहाँ पे, मैं फिर से लॉग इन करता हूँ यहाँ पे इसके लिए। तो जैसे ही आप मेक पेमेंट वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे पेमेंट करने को बोलेगा। अब जो है आप अपना डेबिट कार्ड से, इंटरनेट बैंकिंग से या यूपीआई से, किसी भी सेक्शन से आप जो है पेमेंट कर सकते हैं। तो आप जो है यहाँ पे अपना यूपीआई का नंबर भी डालेंगे तो उससे भी पेमेंट हो जाएगा, यानी फोन पे वगैरह से भी पेमेंट हो जाएगा। अपना यूपीआई यहाँ पे क्यूआर कोड डालिएगा या फिर यूपीआई नंबर जो आपको याद है उसको डाल के यहाँ वैलिडेट कर लीजिएगा और यहाँ पे पेमेंट कर दीजिएगा। चलिए मैं एक छात्रा का यहाँ पे पेमेंट करके भी आगे प्रोसीड करता हूँ। थोड़ा टाइम लगेगा, पेमेंट जैसी अपडेट होगा यहाँ पर आपके सामने ये ओपन होकर आ जाएगा। तो ये आपका टाइम, यहाँ पे मैंने पेमेंट कर दिया है इस छात्र के लिए और यहाँ पे पेमेंट हो चुका है। देखिए जैसे ही आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर देंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म यहाँ पे बता दिया जाएगा। तो आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा, इस चीज़ का गारंटी यहाँ पे हो जाएगा कि आपने रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। अगर आपका पेमेंट फंस जाता है कहीं तो ये कंफर्म नहीं लिखेगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर आपका पेमेंट हो गया तो अब यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन में कोई भी एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। अब जो है आप यहाँ पे प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका जो ये पेमेंट स्लिप है ये भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं क्लिक करके, है ना। पेमेंट रिसिप्ट आप ले सकते हैं और इसको लेकर जरूर रख लीजिएगा, इसका हार्ड कॉपी अपने पास अगर आप साइबर कैफे से इसको अप्लाई कर रहे हैं तो। ओके दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो ये आपको इस पेज पे ले आएगा जहां से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिलअप फिर से करेंगे। तो अपना रजिस्ट्रेशन आईडी जो भी आपको अभी मिला है या फिर अपना मोबाइल नंबर डाल के और डेट ऑफ बर्थ डाल के यहाँ से जो है लॉगिन कर सकेंगे और इस कैप्चे को यहाँ पे आप डाल लीजिएगा और यहाँ से सबमिट कर दीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ पे प्रोसीड एंड पेमेंट पे क्लिक करिएगा, पेमेंट होने के बाद आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म भरने का यहाँ पे डिटेल आ जाएगा। इन सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ लेंगे और इन सभी जो भी अपडेट दिए गए हैं आपके इस रिक्रूटमेंट को लेकर के, फोटो का साइज क्या होना चाहिए से लेकर सेक्शन की योग्यता के बारे में जो भी डिटेल दिए गए हैं इसको एक बार आप खुद से पढ़ लीजिएगा। आप जो भी अपना आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड वगैरह दीजिएगा यहाँ पे, प्रमाण पत्र वगैरह, ये सेक्शन योग्यता वगैरह, इन सब का जो है डॉक्यूमेंट्स आपका वेरिफिकेशन के समय मांगा जाएगा। जेपीजी या पीएनजी के फॉर्मेट में आपका जो है फोटो और सिग्नेचर होना चाहिए, ध्यान में रखिएगा। फोटो जो है आपका साइज 3.5 से लेकर 4.5 सेंटीमीटर के पिक्सल में होना चाहिए, रंगीन फोटो होना चाहिए और बैकग्राउंड जो है ना ब्लू या हल्का व्हाइट या हल्का जो है कलर का होना चाहिए। फोटोग्राफ अच्छी तरह से अच्छी गुणवत्ता का होना चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो है यहाँ से फोटो ही रिजेक्ट होता है और दोबारा फोटो भरने के लिए अपडेट किया जाता है उनको। इसका साइज 25 KB से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। फोटोग्राफ में आपके दोनों कान स्पष्ट रूप से दिखाई देने चाहिए, इस तरह से आपको फोटो खिंचवानी है। फोटो खिंचवाते समय अनावश्यक रूप से टोपी या काला रंग का चश्मा या फिर कोई भी ऐसी चीज ना पहने जिससे कि आपका रिफ्लेक्शन आए और फोटो को रिजेक्ट किया जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना फोटो का डिटेल देख लीजिएगा यहाँ पे। आवेदन करते समय ध्यान में रखिएगा आप अपना जो है मैट्रिक पे जो आपका सर्टिफिकेट पे नाम है और आप विवाहित महिला हैं तो अपने पिता के नाम के साथ साथ दिए गए जगह और पति के नाम भी लिखना जरूरी है आपको जो महिला है। लेकिन जो आप पिता के नाम और आपका अपना नाम जो है 10th के सर्टिफिकेट पे जो लिखे हैं वही लिखना है आपको और वही प्रमाण पत्र के रूप में आपको देना भी है। वैवाहिक जो स्थिति है आपकी वो बताना है आपको, आधार नंबर बताना है अपना और एक पहचान चिन्ह अनिवार्य बताना है आपको। शैक्षणिक योग्यता के बारे में बताना है और यहाँ पे 1 अगस्त 2022 से ये डेट कैलकुलेट किया जाएगा 10+2 का भी आपका जो कि सर्टिफिकेट है, ये कट ऑफ डेट यहाँ पे भी दिया गया है। स्थायी पता आपको बताना होगा, पत्राचार का प्रयोग जिस पते पे किया जा सके उसका भी पता आपको बताना होगा जिसके जरिए आपको ये कॉन्टेक्टेबल कर सके CSBC, ठीक है, जब आपका ज्वाइनिंग होगा तो।
आपराधिक मामलों की घोषणा के बारे में भी जानकारी आपसे ली जाएगी। अगर है तो बताइएगा, नहीं है तो नो पे क्लिक करके आगे बढ़िएगा। फोटो और सिग्नेचर अपलोड करते समय ध्यान में रखिएगा, ये साइज जो है 25 KB से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए तीनों का साइज का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये सारे डिटेल आप पढ़िएगा। और आवेदन को अगर आपको रद्द करना है तो उसकी प्रक्रिया भी यहाँ पे दी गई है, तो इसको भी एक बार जरूर एक झलक आपको पढ़ लेना होगा, ताकि अगर कोई गलती होती है तो आप अपना आवेदन जो है रद्द करके फिर से आप एक फॉर्म को भर सकेंगे। पहले आपको अपना एप्लीकेशन कैंसिल करना होगा उसको लेकर, फिर यहाँ पे डिक्लेरेशन पे क्लिक करना होगा और प्रोसीड टू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों जैसे ही आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म खोलेंगे, यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस भी आपसे पूछेगा। अब पोस्ट प्रेफरेंस आपको सबसे पहले यहाँ पे जिला पुलिस का देना है, उसके बाद आपको जो है BSP का देना है, और तीसरा जो है आपको जो है अदर यूनिट का देना है, ठीक है। इसी तरीके से आप अपना पोस्ट प्रेफरेंस भी डालिएगा। अब अपना जो है फादर का नेम वही डालना है जो कि आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट या टेंथ के सर्टिफिकेट पे दिया हुआ है। मदर्स नेम भी आपका वही डालना है, स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा। आप मैरिटल स्टेटस जो भी महिला है अपना जरूर डालेंगे, और पिता का भी और पति का भी नाम यहाँ पे दोनों में से किसी का भी एक डाल सकते हैं। आधार नंबर अपना डालना है यहाँ पे, ये ऑप्शनल है, नहीं भी डाल सकते हैं। और ये आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, आपके चेहरे पे कोई कटे छटे का निशान हो या हाथ पे, जो कि आप शो कर सके इस टाइम, जो कि आप फॉर्म भर जब आप एग्जाम देने जाएं तो। और यहाँ पे तीसरा चीज मांगा गया है कि आर यू अ वार्ड ऑफ फ्रीडम, वार्ड ऑफ फ्रीडम मतलब कि फ्रीडम फाइटर से संबंधित हैं, तो अगर यस कीजिएगा तो आपका यहाँ पे डिटेल मांगेगा, उसका सर्टिफिकेट नंबर मांगेगा, तो ये चीज आपके पास पहले से बना होना चाहिए। और इशू डेट कब का है बना हुआ ये भी बताना है आपको, 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं है तो चलेगा, लेकिन 1 साल से अंदर का ही बना हुआ होना चाहिए, ध्यान में रखिएगा। ओके, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। और मैट्रिक में आपके जो है किस स्कूल से आपने एक मैट्रिक किया है, पासिंग सर्टिफिकेट यानी मार्कशीट का नंबर देना है, और सर्टिफिकेट मार्कशीट कब इशू हुआ था, और फिर उसके बाद जो इंटरमीडिएट कब आप किए थे उसका डिटेल देना है, सर्टिफिकेट नंबर देना है या मार्कशीट डिटेल नंबर देना है, अब कब ये इशू हुआ था उसको डेट को बताना है। ग्रेजुएशन के बारे में आप बता सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं तो भी बता सकते हैं, बट ये ऑप्शनल है। बट मैट्रिक और इंटर के बारे में यहाँ पे आपको सारा डिटेल देना है। फिर आपको जो है परमानेंट एड्रेस यहाँ पे आपको देना है, अगर आपका सेम एड्रेस है तो यस पे क्लिक कर लीजिएगा, यहाँ पे एज इट इज ये करस्पॉन्डेंट एड्रेस में सबमिट हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है अपना फोटो और सिग्नेचर के बारे में अपडेट दिया गया है, लेकिन उससे पहले अगर आप कैटेगरी में आते हैं तो सॉरी माफ करेंगे, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे एग्जाम बोल रहा है डिक्लेरेशन ऑफ क्रिमिनल केसेस के बारे में, ठीक है, तो अगर आपके ऊपर कोई भी केसेस दायर किया हुआ है ना, तो आप जो है इसमें बताइएगा कि किस कारण से आपके ऊपर कौन सा केस तरह का है, कन्विक्टेड है, कोर्ट में चल रहा है, ये सारे डिटेल आपको यहाँ पे करके बताना है। तो सब पे नो कर दीजिएगा अगर आपके ऊपर कोई केस वगैरह नहीं है तो, ठीक है, यहाँ पे नो नो करके आगे बढ़ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे अपना फोटो डालना है, फोटो का जो आपका मतलब जो भी साइज होगा वो 25 KB से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, यहाँ से ध्यान रखिएगा। इस तरह का फोटो या इस तरह का फोटो आपको अपलोड करना है, ऐसे फोटो नहीं डालने हैं, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चूज करके अपना फोटो डालेंगे, फिर उसके बाद अपना सिग्नेचर पहले यहाँ पे इंग्लिश में डालिएगा, क्योंकि बहुत लोग यहाँ गलती ये करते हैं कि पहले हिंदी में डालते हैं फिर इंग्लिश में डाल देते हैं, नहीं पहले इंग्लिश में डालना है यहाँ पे बोला गया है, फिर हिंदी में डालना है आपको सिग्नेचर अपना, इसका भी साइज 25 KB ज्यादा नहीं होना चाहिए, और फिर प्रोसीड पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। जैसे ही आप अपना सारा डिटेल प्रोसीड करेंगे और ये सारा डिटेल आपके सामने आ जाएगा, फोटो सिग्नेचर सब कुछ आ जाएगा सामने, फिर आई डिक्लेरेशन पे क्लिक कर लीजिएगा और इस कैप्चे को यहाँ डालकर जो है अपना सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म कर लीजिएगा। चलिए मैं इसको सबमिट भी कर देता हूँ आपके लिए। यहाँ पे जो भी छात्र देख रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही आपको फॉर्म भरना है, कोई भी इसमें मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है। गलती कहाँ नहीं करनी है वो मैंने आपको बताया है, और आपको कहाँ गलती से बचना है वो भी चीज़ें बताई हैं, तो ये सारा डिटेल आपको जो है निकल कर सामने आ जाएगा। और जो भी छात्र का फॉर्म भरा गया है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इन छात्र का फॉर्म भर दिया गया है, प्रोविजनली सबमिटेड हो चुका है। अब यहाँ पे आयोग जो है इसके ऊपर संज्ञान लेगा कि इसमें कोई गलती तो नहीं है, और अगर गलती होगा तो एक लिस्ट जारी किया जाएगा, और इसका प्रिंट जरूर आप लोग निकाल लीजिएगा, हार्ड कॉपी अपने पास इसका जरूर रख लीजिएगा। तो ये सारा डिटेल जो कि मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से, एक औपबंधी ग्रुप पे है जो कि एक छात्र का मैंने फॉर्म भर के दिखाया है, और प्रिंट भी यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं, प्रिंट प्रीव्यू देखकर प्रिंट को जरूर अपने पास डिटेल को रख लीजिएगा।
तो आशा करते हैं कि आपको ये सारी जानकारी जो हमने आपको सीएसबीसी के माध्यम से अपडेट किया है फॉर्म भरने को लेकर कोई डाउट नहीं होगा। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी ज़रूर पूछ लेंगे। और बुक के बारे में जो हमने आपको बताया है तो बुक ज़रूर खरीदें और बुक से पढ़ाई अब करना शुरू कर देंगे। ऑल द बेस्ट।